हाई एवरीवन, दिस इज शिल्पी। मैंने आपको अपना एक पिछला वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताए थे माइक्रोवेव के बेसिक यूजेस और उसके यूटेंसिल्स, माइक्रोवेव हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, यूटेंसिल्स कौन से यूज़ करने चाहिए। बट आज मैं आपको बताऊंगी चारकोल लाइटिंग हीटर के बारे में, चारकोल माइक्रोवेव कैसे यूज़ करते हैं, कैसे वर्क करता है। आज मैं आपको थोड़ी सी इसके फंक्शन बता देती हूँ। कुछ लोगों की डिमांड्स आई थी मेरे पास कि मैडम आपने चारकोल लाइटिंग हीटर के बारे में तो बताया ही नहीं, तो आज मैं आपको वो भी डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो आइए देखते हैं चारकोल माइक्रोवेव के बारे में। अब मैं यहाँ पर LG का यूज़ कर रही हूँ, 32 लीटर चारकोल मॉडल, जो सबसे टॉप मॉडल है आप देख रहे हैं, जिसका मॉडल नंबर है MJEN326UH, यानी कि 32 लीटर चारकोल मॉडल है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग यानी कि LG माइक्रोवेव कौन सा हीटर यूज़ करता है अपने सारे माइक्रोवेव के अंदर। मैं आपको बता देती हूँ, LG जितने भी माइक्रोवेव हैं सब में क्वार्ट्ज हीटर यूज़ करता है, और क्वार्ट्ज हीटर आपका 30 सेकेंड में स्टार्ट हो जाता है। अब बात आती है, सपोज़ मैं अगर बात करती हूँ अदर मॉडल्स की, जैसे 21 लीटर्स या 28 लीटर्स जो LG माइक्रोवेव आते हैं, तो उसमें हमारी नॉर्मली एक ही ग्रिल लगी हुई होती है और वो होता है हमारा क्वार्ट्ज हीटर। अब बात आती है चारकोल की, तो चारकोल में हमारे टोटल जो हीटर्स लगे होते हैं वो 4 हीटर्स लगे होते हैं, 2 जस्ट अपर साइड एंड 2 बैक साइड, और ये हमारा होता है मैग्नेट्रॉन। कि हमारा जो माइक्रोवेव गर्म करता है चीज़ों को, वो मैग्नेट्रॉन के थ्रू ही करता है। जैसे हमारे शरीर में हो हार्ट वाला काम होता है ना, सेम ऐसे ही मैग्नेट्रॉन का काम होता है माइक्रोवेव के अंदर। तो मैं आपको बताती हूँ, चारकोल हीटर जस्ट अपर साइड में, टॉप साइड में सबसे स्टार्टिंग में लगा हुआ होता है। जब भी आप चारकोल पर अपनी कोई रेसिपी बनाते हैं तो चारकोल हीटर आपका 3 सेकेंड में स्टार्ट हो जाता है। अब 3 सेकेंड में स्टार्ट हो तो जाता है, लेकिन चारकोल हीटर का मतलब क्या है मैं आपको ये बताती हूँ। अब बात आती है चारकोल की, तो चारकोल लाइटिंग हीटर काम क्या करता है। तो चारकोल लाइटिंग हीटर सबसे पहली चीज़ तो एक हेल्दियर एंड नेचुरल कुकिंग देता है। हमारी जो भी हम रेसिपी बनाते हैं माइक्रोवेव के अंदर, वो एक हेल्दी रेसिपी होती है, जो कि एक चारकोल फ्लेवर ऐड कर देती है हमारे खाने में। बिल्कुल वही इफेक्ट जो हमारे तंदूर वाले टेस्ट, जो जैसे हम खाना तंदूर में पसंद करते हैं, तंदूरी नान पसंद करते हैं, तंदूरी पराठा पसंद करते हैं, वही टेस्ट हमारा चारकोल मॉडल में आता है। अब बात आती है कि इसमें खाना कैसे बनता है, चारकोल या स्मोकी फ्लेवर कैसे ऐड होता है इसमें, मैं आपको बता देती हूँ। जब नॉर्मली हम लोग ग्रिल मोड पर कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो ग्रिल मोड हमारे, जैसे सपोज़ हम मटर कबाब्स बनाते हैं या आलू टिक्की बनाते हैं, पनीर टिक्का बनाते हैं, तो वो एक तरीके से हमारी चीज़ों को रोस्ट कर देता है, तो उसमें से जूसीनेस ख़त्म हो जाती है, तो वो हमारे खाने को उसने ब्राउन भी कर दिया और रोस्ट भी कर दिया। बट चारकोल का मतलब क्या है, अगर आप इस पर दी हुई जो भी रेसिपी बना रहे हैं वो आपके खाने को जूसी इनसाइड एंड क्रंची आउटसाइड, मीन्स आपके खाने को अंदर से वो जूसी रखेंगी और बाहर से रखेंगी क्रंची। कैसे हुआ ये पॉसिबल, क्योंकि चारकोल मॉडल हमारा 3 सेकेंड में स्टार्ट हो रहा है और 10 सेकेंड में वो बंद हो जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि चारकोल लाइटिंग हीटर में जस्ट एक कार्बन की परत चढ़ी हुई है, जस्ट एक कार्बन की कोटिंग हो रखी है, जो हमारी डिश को एक स्मोकी फ्लेवर, एक चारकोल फ्लेवर जो उसमें ऐड हो जाता है। अब अगर हमें चारकोल की कोई रेसिपी बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, आप माइक्रोवेव ओपन करेंगे और यहाँ आप देखेंगे चारकोल की कुछ रेसिपीज़ लिखी है, यानी कि चारकोल में हमारी 35 रेसिपीज़ दे रखी हैं। और आप ये रेसिपीज़ कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपको जो ब्लैक एंड वाइट एक मैनुअल मिलता है, जस्ट आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें आपके कुछ कोड्स दे रखे होंगे, C1, C2 करके, C3, C4, इट मीन्स कि वो आपकी चारकोल की रेसिपीज़ हैं। अब आप उसमें से कोई भी एक कोड सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको रेसिपी बनानी है। और वो कोड हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ सिंपल चारकोल में जाएंगे, ये आपका 1 आ गया। अब इस नॉब को हम घुमाएंगे तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, आपको जो भी रेसिपी बनानी है चारकोल की वो कोड आप सेलेक्ट कर लीजिए। स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हमारा वेट आ जाएगा 0.3, मीन्स 300 ग्राम। अगर आपने 300 ग्राम किसी भी रेसिपी का वेट लिया है तो आप 0.3 पे उसको सेलेक्ट करेंगे। देन अगेन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हमारा 16 मिनट का टाइमिंग आ जाएगा। अब मैं आपको शो करने की कोशिश करती हूँ कि चारकोल लाइटिंग हीटर कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगी, अगर आप देख पाए तो। आप देख रहे हैं इसमें चारकोल लाइटिंग हीटर थोड़ी देर के लिए भी ऑन हुआ था, 3 से 10 सेकंड का उसको टाइम लगता है। मैं फिर से दोबारा से इसको ऑफ कर देती हूँ और मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करती हूँ सो दैट कि आप इजीली देख पाए।
अब आप देख रहे हैं ये इसमें आपको रेड कलर की ग्रिल जलती हुई नज़र आ रही है अंदर। ये आपका सबसे पहला वाला चारकोल मॉडल है और ये अपने आप अब ऑफ हो जाएगा। ये जस्ट 3 से 10 सेकंड के लिए ऑन होता है और जैसे ही हमारी डिश के अंदर की जो रोस्टिंग होनी होती है वो अंदर से उसको रोस्ट ना करके उसको जस्ट जूसी कर देता है सो दैट कि इसमें तंदूरी फ्लेवर हमारा ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चारकोल लाइटिंग हीटर वर्क करता है। और अब मैं आपको बताती हूँ 28 लीटर चारकोल लाइटिंग हीटर के बारे में। 28 लीटर में चारकोल हीटर सबसे बैक साइड में होता है यानी कि फ़ैन के नीचे। अब फ़ैन कहाँ होता है, ये जैसे हमारा कन्वेक्शन मॉडल है चारकोल सबसे टॉप मॉडल में यूज़ कर रही हूँ आज यहाँ पर, ये जस्ट बैक साइड में आप देखते हैं फ़ैन है। कन्वेक्शन मोड पर ये फ़ैन ही यूज़ होता है जब भी हमारे डिशेस को बेक किया जाता है या उसे क्रिस्पी किया जाता है। जैसे आप पिज़्ज़ा बनाते हैं, कुकीज़ तैयार करते हैं, मफिन्स बनाते हैं, तो इस फ़ैन के थ्रू ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं, बेक होती हैं और क्रिस्पी होती हैं। अपर साइड में ग्रिल लगा हुआ होता है और ये हमारा मैग्नेट्रॉन लगा हुआ है यहाँ पर। और जस्ट 28 लीटर माइक्रोवेव में इस फ़ैन के नीचे चारकोल लाइटिंग हीटर लगा हुआ होता है। चारकोल लाइटिंग हीटर होता कहाँ पर, तो आज मैंने आपको ये बता दिए हैं। और ये हमारे कुछ ऑटो कुक मेन्यूज़ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप सोच रहे हैं कि जो रेसिपीज़ 35 रेसिपीज़ चारकोल माइक्रोवेव में दे रखी हैं क्या वही रेसिपीज़ हम बना सकते हैं, क्या इसके अलावा कोई और जो हमारी रेसिपी है, जो हमारी मनपसंद रेसिपीज़ है, वो हम बना सकते हैं या नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप वो भी इसमें बना सकते हैं ग्रिल मोड पर। कुक मोड में आप जाएंगे और इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारा ग्रिल मोड आ जाएगा। और अब आप ये मैनुअल घुमाएंगे, नॉब घुमाएंगे, तो यहाँ अपने अकॉर्डिंग आप जो भी आप रेसिपी बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप टाइमिंग सेलेक्ट करिए और इसको स्टार्ट कर दीजिए। आप ग्रिल पर जो रेसिपी बनाएंगे उसमें भी हमारा चारकोल फ्लेवर ऐड ज़रूर होगा, उसमें भी हमारा ये चारकोल हीटर ज़रूर चलेगा। भले ही 10 सेकंड के लिए जो इसकी टाइमिंग है चारकोल हीटर का 10 सेकंड का ही है, ये अपने आप ऑन होता है, अपने आप ऑफ हो जाता है, आप इसको इजीली ऑपरेट करते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ हमारे ग्रिल मोड भी हो गया, कन्वेक्शन भी हो गया जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता दिया था। चारकोल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, अब थोड़ा सा मैं आपको हेल्दी हार्ट के बारे में बता देती हूँ। जो रेसिपी बुक आपको माइक्रोवेव के साथ मिलती है जिसमें 30 रेसिपीज़ हमारी दे रखी हैं ऑलरेडी, कैसे आप फूड को बना सकते हैं, कैसे आप डिशेज़ को बना सकते हैं, वो सब सारा मेथड उस हेल्दी हार्ट वाली बुक में लिखा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो हेल्दी हार्ट का फीचर है ये हमारे यहाँ हार्ट केयर फाउंडेशन से सर्टिफाइड है, मतलब आपको इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये रेसिपी ठीक रहेंगी हमारे लिए या नहीं रहेंगी। तो ये हेल्दी हार्ट केयर से सर्टिफाइड है हमारा हेल्दी हार्ट, तो आप इसमें 30 रेसिपीज़ हर एक दिन एक नई रेसिपी बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए, देखिए वो भी कैसे खुश हो जाते हैं आपकी रेसिपी खाकर। अच्छा, बाकी मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करती हूँ कि जो आपका चारकोल लाइटिंग हीटर है उसमें आपको 10 ईयर की वारंटी मिलती है, यानी कि आपको एक साल तो कंप्लीट माइक्रोवेव पर मिल ही रही है। उसके अलावा जो आप चारकोल हीटर यूज़ कर रहे हैं उस पर आपको 9 साल की वारंटी और मिलेगी। अब बात आती है स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की, ये क्या है, आपको LG में ज़रूर सुनने को मिला होगा स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। होती क्या ये मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम माइक्रोवेव के अंदर खाना बनाते हैं तो क्या आपने ऐसे देखा है कि अगर आप ऑटो कुक के थ्रू खाना बना रहे हैं तो अगर आपकी ग्रिल ऑन हो रही है, आपने कोई भी डिश रखी इसके अंदर और आपने 12 मिनट का टाइमिंग सेलेक्ट किया, तो वो डिश आपकी, आपने देखा होगा, वो जब रेगुलर होती रहेगी तो वो एक साइड से जल जाएगी और नीचे के साइड से वो रॉ रह जाएगी। तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर आपकी जो रेसिपी है वो बन नहीं पाती। बट आपके में अगर स्मार्ट इन्वर्टर दे रखा है माइक्रोवेव के अंदर, स्मार्ट इन्वर्टर का मतलब है प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल दैट हेल्प्स इन इवन कुकिंग ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ डिशेज, मीन्स वो आपकी डिशेज को इवनली कुकिंग कर रही है, मतलब कि हर तरीके से वो आपके खाने को चारों तरफ से वो आपको इवनली कुकिंग कर रही है, प्रॉपर जैसे बेक होना चाहिए हमारा खाना, हर तरीके से समान तरीके से कुकिंग करना, वो आपका इवन कुकिंग में आ गया। तो अगर आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला ले रहे हैं माइक्रोवेव, तो ये फैसिलिटी आपको उसमें ज़रूर मिल जाएगी। आपको बार बार माइक्रोवेव ओपन करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, आपने बस एक बार टाइमिंग सेलेक्ट किया और आपका खाना उसमें बनता रहेगा। तो ये है हाईएस्ट टॉप मॉडल की कुछ बेसिक फीचर्स जो मैंने आपको आज बताए हैं। पैस्चराइज मिल्क, हालांकि मैंने आपको अपने कुछ
पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, अगर जैसे हम गैस आप देख गैस पर हम दूध बॉईल करते हैं, हम लोग अपने कामों में लग जाते हैं, हमारे पास काम ही इतने ज़्यादा होते हैं किचन में कि हमें अपने बाकी काम भी निपटाने हैं और हम चाहते हैं कि हमारा गैस वाला काम भी चलता रहे, बट इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपने गैस पर कोई चीज़ रखी है तो ज़ाहिर, और अगर आपने उसका टेम्परेचर हाई कर दिया, हाई फ्लेम कर दिया है, तो जाहिर सी बात है अगर हम चाय बनाते हैं, दूध उबालते हैं, तो वो बॉयल होकर बाहर तो आ ही जाती है, जो कि हमें बाद में साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है लेडीज़ को। तो हम चाहते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, तो इसलिए हम गैस को आप देखते हैं लो फ्लेम कर देते हैं और हम बाकी के काम भी करते रहते हैं। तो अब हम अपने टाइम को भी सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए बेस्ट फीचर आपका LG माइक्रोवेव में दे रखा है पेस्चराइज मिल्क का। पेस्चराइज मिल्क बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप उसके अंदर दूध बॉयल करते हैं या आप चाय बनाते हैं। दूध बॉयल करने के लिए क्या होता है, उसमें एक आपका टेम्परेचर दिया होता है, मैं आपको बता देती हूँ ये। सो अब हम यहाँ जाते हैं पेस्चराइज मिल्क वाले ऑप्शन पर और ये देखते हैं, ये ऑप्शन हमारा आता है किड्स एंड डेरी डिलाइट के अंदर। इसमें हमारे 6 ऑप्शंस दे रखे हैं, चाइल्ड्स फेवरेट, बेकरी, स्वीट कॉर्नर, टी, डेरी डिलाइट एंड पेस्चराइज मिल्क सबसे लास्ट में आ रहा है। माइक्रोवेव को बंद करते हैं और यहाँ जाते हैं हम किड्स एंड डेरी डिलाइट में। इसको हम 6 बार प्रेस करेंगे क्योंकि वो ऑप्शन हमारा 6 नंबर पे सबसे लास्ट में दे रखा है। तो यहाँ 6 आप देख रहे हैं आ गया और अब हमने इसको स्टार्ट किया, तो ये 1 एंड 2, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो 2 पे आपका आ रहा है 1 लीटर आप दूध बॉईल कर सकते हैं। अगर आपने पेस्चराइज मिल्क के अंदर 1 लीटर दूध रखा हुआ है तो उसमें आपका कितना टाइमिंग लेगा देखते हैं, यानी कि 10 मिनट। आप 10 मिनट में दूध बॉईल कर सकते हैं और आपको इसको बार बार चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, और आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू रहेगी दूध की वो भी बरकरार रहेगी, और आपको गैस की तरह बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार गैस को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, और न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहे उसके लिए भी आपको गैस के आगे खड़े होने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से आप पेस्चराइज मिल्क में स्मार्ट कुकिंग कर सकते हैं। पेस्चराइज मिल्क के बाद एक बहुत ही कॉमन फीचर इसमें आता है घी का। घी कैसे निकाल सकते हैं, वैसे तो आप घी किसी भी माइक्रोवेव में निकालेंगे तो बन ही जाएगा। घी के लिए आपको करना क्या है, सिंपल, जो हमारे घर में मलाई इकट्ठा हो जाती है वो मलाई आप बोरोसिल में डाल दीजिए। हाँ, ध्यान रखिएगा इसके लिए आपको बिल्कुल प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर यूज़ नहीं करना है, चाहे वो टपरवेयर हो चाहे वो माइक्रोवेव सेफ हो, क्योंकि हम घी बना रहे हैं या बटर निकालते हैं, तो इसके लिए हमें प्लास्टिक यूटेंसिल कोई यूज़ नहीं करना है, सिंपल बोरोसिल बाउलसेट आपको यूज़ करना है। और यहाँ हम कैसे निकालेंगे घी, मलाई जो आप घर में लेते हैं उसको आप बोरोसिल में डाल दीजिए और उसे 2-3 बार बस उसे स्टिर कर दीजिए, और सिंपल आप इसको माइक्रो मोड पर रख सकते हैं। पावर लेवल मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, कुक मोड में आप जाएंगे, ये हमारा सबसे हाईएस्ट पावर लेवल है। अब इस नॉब को लेफ्ट हैंड साइड घुमाएंगे तो उसका पावर लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि हमें डर लगता है कि हमारा जो मलाई का घी बना रहे हैं वो कहीं स्पिल ओवर ना हो जाए, तो उसके लिए आप 540 या फिर 720 जो पावर लेवल है वो सेट कर सकते हैं। ये 720 आपने सेलेक्ट किया, स्टार्ट किया और आपने टाइमिंग सेलेक्ट किया यहाँ पे 8 से 9 मिनट का और स्टार्ट कर दिया। डिपेंड करता है हम जो भी चीज़ बना रहे हैं उसकी क्वांटिटी क्या है, अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली टाइमिंग भी बढ़ जाएगा, और क्वांटिटी कम है तो हो सकता है 9 मिनट से पहले ही कोई भी चीज़ हमारी तैयार हो जाए या घी तैयार हो जाए, तो इस चीज़ का आपको प्रैक्टिस करते करते ज़रूर एक्सपीरियंस हो ही जाएगा। स्टॉप कर देते हैं। अब बात आती है रोटी बास्केट की। रोटी बास्केट में हम नान, पराठा ये सब कैसे बना सकते हैं, जो आपको ये मैनुअल मिलता है ब्लैक एंड वाइट, उसको ज़रूर आप फॉलो कीजिए। मैं बार बार उसी को फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि अगर उसकी में एक भी रेसिपी आपकी मिस हो गई तो यहाँ आपका पूरा फीचर, पूरा टाइमिंग सब बिगड़ जाएगा। तो इंडियन रोटी बास्केट में हम जाएंगे और इस नॉब को घुमाएंगे, तो यहाँ आपके आप देख रहे हैं कोड भरते जा रहे हैं, तो जितने कोड आपके उसमें दे रखे हैं, जो भी आप कोड सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं, वो कोड यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, और बहुत ही सिंपल है, आपको उसको स्टार्ट करना है बस, और यहाँ आपको खाली माइक्रोवेव प्रीहीट करना है जब तक उसमें से बीप ना आ जाए। जनरली प्रीहीटिंग में हमारा 8 से 10 मिनट का टाइमिंग ज़रूर लगता है, एंड आफ्टर प्रीहीटिंग आप उसमें जो भी आपके मैनुअल में दे रखा है, लो रेक यूज़ करना है, हाई रेक यूज़ करना है, वो मैनुअल आप फॉलो कीजिए, और नान, पराठा जो भी आप बना रहे हैं
वो आप रख के बना लीजिए। बीच में आप ध्यान दीजिएगा, मुश्किल से आधे सेकंड की एक बीप आती है जब उसको वो टर्न करने के लिए बोलते हैं नान को, पराठे को, तो बीच में आप वो आधे सेकंड की बीप का ध्यान रखिएगा, पराठा उसमें टर्न करिए, देन अगेन यू कैन स्टार्ट। इसके बाद आपको एक बारबेक्यू दी हुई होती है, जैसे कि इस मॉडल में हमारा बारबेक्यू का ऑप्शन दे रखा है, यानी कि मोटराइज रोस्टरी का ऑप्शन दे रखा है जो आप यहाँ इजीली फिट कर सकते हैं। ये इसमें बारबेक्यू की रॉड दे रखी है। अब इसे कैसे फिट करना है मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो यहाँ ये मैं इस रॉड को, जो पिंक वाला साइड है, यहाँ पर ये साइड लगाऊंगी इसको। आपने इस तरीके से इसको फिट कर दिया, ठीक है, ये प्रॉपर आपकी फिट हो गई है। अब जब भी आप ग्रिल मोड स्टार्ट करेंगे या चारकोल लाइटन की हीटर आप स्टार्ट करेंगे, तो ये आपकी रॉड ऐसे घूमती रहेगी जो आपके खाने को, आपकी डिश को प्रॉपर इवनली कुक बेक करेगी, यानी कि सब तरीके से प्रॉपर आपका खाना जो भी आप बना रहे हैं वो प्रॉपर हर तरीके से ब्राउन हो जाएगा, हर तरीके से रोस्ट हो जाएगा। तो ये आपका रोटेट करेगा, ध्यान रखिएगा ये रोटेट करना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो गया बारबेक्यू का फीचर, जो आपको बहुत ही जिसमें आपकी ये यूनिक स्टील रॉड दी होती है जो आपके खाने को बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से ब्राउन करती है और ग्रिल करती है। तो है ना बहुत ही स्मार्ट फीचर आपके आज के माइक्रोवेव का ये। अब LG माइक्रोवेव में हाईएस्ट ऑटो कुक मेन्यूज आते हैं, जो कि आपके 401 सबसे हाईएस्ट ऑटो कुक मेन्यू है। 401 रेसिपीज आप इसमें बना सकते हैं। तो ये रेसिपी आप अपने ट्राई कीजिए अपने घर में और सारे फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर खिलाइए। अगर आपने माइक्रोवेव लिया है तो क्यों ना उसकी खासियत, उसका यूज़ आप उठाएँ, सो दैट कि सब लोगों को लगे कि हाँ घर में कोई चीज़ आई है जो हमारे खाना, जिसने हमारे खाने को एक अलग अंदाज में ही चेंज कर दिया है। तो डाइट फ्राई किसमें ऑप्शन आता है, डाइट फ्राई में क्या होता है, जब हम गैस पर कोई चीज़ डीप फ्राई करते हैं, गैस पर जब आप कढ़ाई में कोई चीज़ बनाते हैं, तो आपने देखा है सबसे पहले हम बहुत सारा ऑयल लेते हैं और उसके बाद उसमें टिक्कीज़ या समोसे या ब्रेड रोल्स, वो बहुत सारे ऑयल में हम डाल देते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। सो डाइट फ्राई का एक ऑप्शन होता है इसमें। डाइट फ्राई में आप अगर कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वो आपकी 88% लेस ऑयल में तैयार होगी। मतलब अगर आप इसमें समोसा, ब्रेड रोल, स्टिकीज कुछ भी तैयार करते हैं, तो आपने ऑयल की बस हल्की सी ब्रशिंग करनी है और आपने इस तवे के ऊपर रख देना है हल्की सी ब्रशिंग करके। ज़्यादा ऑयल आपने यूज़ ही नहीं करना है। सो बहुत ही अच्छा फीचर है इसके अंदर। अब एक नेक्स्ट फीचर जो इसमें आप देखते हैं, स्टेनलेस स्टील। आप इसकी पूरी कैविटी देख रहे हैं, पूरी स्टील कैविटी है जो कि बहुत ही हाइजीनिक रहती है, रस्ट फ्री रहती है, कभी ख़राब होने की इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती ही नहीं है। घर में आमतौर पर जो हम बर्तन यूज़ करते हैं वो भी सारे स्टील के होते हैं और बहुत सालों से हम बर्तन यूज़ करते आ रहे हैं, कभी आपने स्टील ख़राब होते हुए देखा? आई थिंक कभी नहीं। कभी जंग लगता है उसमें? कभी नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है हमारे लिए स्टील कैविटी के साथ, जो आप अपने घर में एकदम बेधड़क तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब एक छोटा सा मैं आपको और तकलीफ दे रही हूँ। व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ चारकोल माइक्रोवेव कुकिंग? मैडम चारकोल लाइटिंग हीटर के एडवांटेजेस क्या हैं ये तो बता दीजिए। तो आपको चार पॉइंट में क्लियर करती हूँ। नेचुरल एंड हेल्दियर कुकिंग, गॉरमेट टेस्ट, वर्सेटाइल कुकिंग एंड सेव 50% टाइम एंड 30% एनर्जी, जो आपको चारकोल लाइटिंग हीटर से ही मिलेंगे। अब आपने जो 32 लीटर माइक्रोवेव लिया है, इसकी मैं आपको एक खासियत और बता देती हूँ। इसमें साइड में एक LED लैंप लगा होता है। जब आप अदर मॉडल्स लेते हैं 28 लीटर्स या 21 लीटर्स, उसमें आपका सिर्फ एक लैंप लगा हुआ होता था, बट चारकोल लाइटिंग हीटर में, यानी कि 32 लीटर माइक्रोवेव में, एक LED लैंप लगा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है कि वो आपके खाने की, वो आपकी जो रोशनी दे रहा है आपको, वो 3 times ब्राइटर, यानी कि आप जब भी उसमें खाना बनाएंगे तो आपके खाने को आप बाहर से ही देख सकते हैं कि वो खाना आपका कितना बन गया है, कि वो डिश कितनी रेडी हो गई है। बट अदर माइक्रोवेव में आपको चेक करने की ज़रूरत तो पड़ती है कि वो कितनी बनी है कितनी नहीं, आपको बीच बीच में उसको चेक करना पड़ेगा। बट अगर LED lamps लगे हैं तो आपको उसको बार बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली उसको बाहर से ही चेक कर सकते हैं।
So having stainless steel is always a great experience. Like it's hygienic even for the utensils at home. It stays with you for a long time. There is no stress of rust in stainless steel. It's a good conductor of heat. Saves your 20%, 21% power. Saves your 16% time. Takes lesser time for preheating. तो ये हो गई आपकी स्टेनलेस स्टील की खासियत। आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने माइक्रोवेव ओपन किया हुआ है, आप इसमें देख रहे हैं। ये मैं आपको शो करने की कोशिश कर, और ये मैं अपने कैमरा को माइक्रोवेव के पास इसके अंदर लेके जा रही हूँ, और मैं यहाँ आपको हीटर दिखा रही हूँ जो कि एक तरीके से कंसील्ड है। मतलब अगर आप इसमें कोई भी डिश बनाते हैं तो आपका इसमें हैंड इंजरी का कोई भी खतरा नहीं है। ये प्रॉपर तरीके से इनबिल्ट है, सारी ग्रिल्स, चारकोल हीटर सब इनबिल्ट है, आपकी हैंड इंजरी का इसमें कोई भी खतरा नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। सो देयर इज 8% bigger world inside an LG microwave. It's so big that a whole chicken can fit in it. Or also, it's a lot of faster than others. You can get 75% faster on time along with a faster roasting and browning time. तो अब मैं आपको बताऊंगी स्टीम शेफ एसेसरी के बारे में, जो कि आपको माइक्रोवेव के हायर टॉप मॉडल के साथ मिलती ही है। स्टीम शेफ का यूज़ क्या होता है? अगर आप एग बॉईल कर रहे हैं या आप उसमें मोमोज बना रहे हैं, कोई भी स्टीम वाली चीज़ आप तैयार कर रहे हैं, तो आपको एक ऐसा तवा मिलता है। वो तवे के अंदर आप पानी रखिए और पानी के ऊपर आपको एक नेट की जालीदार नेट का एक कवर मिलेगा, उसको आप कवर कर दीजिए और उसमें आपके होल्स दे रखे होंगे, उस होल्स के ऊपर आप एग रख सकते हैं, या अगर आप मोमोज बना रहे हैं मोमोज भी आप रख सकते हैं। और स्टेनलेस स्टील का एक कवर आपको मिलता है, वो कवर करके आप इसे स्टीम शेफ़ वाले ऑप्शन पे आपको जो भी सामान बनाने हैं, जो भी रेसिपी आपको तैयार करनी है, वो रेसिपी आप इसमें तैयार कर सकते हैं। So this unique stainless steel accessory helps generate steam to cook food in a healthy and tasty way. अब मैंने यहाँ माइक्रोवेव ओपन किया है, अब मैं आपको एक ऑप्शन बताती हूँ कीप वार्म के बारे में। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था डीह्यूमिडिफिकेशन, डीफ्रॉस्ट के बारे में, स्टीम क्लीन के बारे में, माइक्रोवेव साफ़ करना है तो आप कैसे करेंगे, बट इसमें एक ऑप्शन हमारा कीप वार्म का होता है। कीप वार्म का एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि वो रेसिपी जो आपने बनाई है माइक्रोवेव में, वो रेसिपी का टेस्ट एज इट इज़ रहे। उसके लिए आप इसमें कुकिंग एड वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसको प्रेस कर देंगे। लाइक जैसे ये ऑप्शन हमारा आ रहा है इंडियन क्यूजीन में, अगर आप जाएंगे सबसे लास्ट में ये ऑप्शन आ रहा है हमारा 5th नंबर पर। तो यहाँ हम माइक्रोवेव बंद करते हैं और चारकोल में जाते हैं और इसको 5 बार प्रेस करते हैं और स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हमारा जिस पी नंबर पे आप देखिएगा मैनुअल पे कुकिंग और कीप वार्म का ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है, वो कोड आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसे स्टार्ट करेंगे तो आपका यहाँ 90 मिनट्स का टाइमिंग लिखा हुआ आएगा। मतलब आपने जो भी रेसिपी तैयार की है वो आप माइक्रोवेव में छोड़ देंगे 90 मिनट्स के लिए, तो उसका जो भी टेस्ट है वो एज इट इज़ मेंटेन रहेगा। फिर आप अपने घर में गेस्ट को या अपने फैमिली मेम्बर्स की जो भी रेसिपी आपने तैयार की है वो आप उनको ईजिली सर्व कर सकते हैं। So what is dehumidification? Soggy food such as biscuits, chips, namkeens and etc. जो भी आपके पास soggy हो गए हैं, बरसात में चीज़ें सील जाती हैं, can be made fresh and crispy. उनको हम दोबारा से crispy कर सकते हैं, fresh बना सकते हैं। So what is the use of multi-cook तवा जो आपको साथ में मिलता है? ये black color का तवा non-stick आपको साथ में मिलता है, and specially coated non-stick tray for dishes that require extra browning and bottom heating. अगर आप इसमें पिज़्ज़ा बनाते हैं, कुकीज़ बनाते हैं, तो ये तवा एक्चुअली हमारा जल्दी गर्म हो जाता है अगर हम इसे माइक्रोवेव में रेडी करते हैं तो, और आपके खाने को वो नीचे से बेक करता है और ब्राउन करता है और क्रिस्पी बना देता है चीज़ों को जल्दी। Also, you get a set of microwave-friendly glass bowl for a convenient and hassle-free cooking. उसमें आप कुकिंग कर सकते हैं, जो आपको साथ में बोरोसेल बाउल सेट मिलते हैं
ऑल्सो यू गेट अ माइक्रोवेव ओवन रेसिपी बुक सो यू कैन लर्न टू कुक एक्जोटिक एंड माउथ वाटरिंग रेसिपीज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. दीज रेसिपीज आर नॉट ओनली डिलीशियस बट ऑल्सो क्वाइट सिंपल टू मेक. सी द स्पेशल सेक्शन फॉर वेट वॉचर्स एंड इवन फॉर बेबीज. सो आई होप कि मैंने आपको आज जो नॉलेज यहाँ पर दी है चारकोल माइक्रोवेव के बारे में वो आपको पसंद आई होगी. मैंने आपसे माइक्रोवेव के बहुत सारे यूज़फुल टिप्स शेयर किए हैं, आप इन्हें अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए. और फिर भी अगर आपको लगता है कोई चीज़ छूट गई है, आपकी कोई और क्वेरी है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन पर. अगली बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद.